So today's lecture is leadership and motivation chapter 2, motivation part. We will be covering definition, characteristics, importance, factors, types of motivation, etc. First of all, definition of motivation. Now, what is motivation? The term motivation has been derived from Latin word emovere. So Latin language mein ek word hota hai emovere jiska meaning hota hai motivation. So this word motivation has been derived from that word. Motivation is the inspirational process which impels members of the team to give their loyalty to the group to carry out properly the tasks that they have accepted. So motivation kya hai? Inspirational process means some person can inspire us, some person can motivate us to do whatever has been asked to. और लॉयल्टी मीन्स वफादारी के साथ हम करते हैं, ग्रुप में रहकर वफादारी के साथ हम कोई काम करते हैं जो भी काम हमें दिया गया है. ठीक है, सो एक तो वफादारी रहती है और एक जोश खूब सारा रहता है उस काम को करने के लिए. फॉर मोटिवेटिंग एन इंडिविजुअल देयर हैज़ टू बी अ मोटिव. तो मोटिवेट कब होता है कि पर्सन जब कोई ना कोई मोटिव रहता है. तो मोटिव नेक्स्ट लाइन में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मोटिव से हमारा क्या मतलब है. अ मोटिव इज़ दैट डिज़ायर विच डायरेक्ट्स अ पर्सन्स एनर्जी एंड एफर्ट्स टूवर्ड्स गोल्स. क्या मीनिंग है कि मोटिव एक ऐसी इच्छा है पर्सन की जिससे उसकी सारी एनर्जी उसके एफर्ट्स पे चली जाती है और एफर्ट्स जो हैं वो हम उनको गोल्स को अचीव करने की डायरेक्शन में लगा देते हैं. तो कोई जी डिज़ायर कोई भी हो सकती है, जैसे पैसे से रिलेटेड. जैसे सपोज कोई सोचे मुझे काश मुझे इतना पैसा मिल जाए फिर मेरी ज़िंदगी वाह वाह हो जाएगी. तो अगर हम उसको वो ड्रीम सच होता दिखा देते हैं, अगर हम कह देते हैं कि तुझे इतने पैसे मिल जाएंगे अगर ये पर्टिकुलर काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो द पर्सन गेट्स मोटिवेटेड टू कंप्लीट दैट वर्क. नेक्स्ट इज सिंबॉलिक डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन. सो व्हाट इज सिंबॉलिक डेफिनेशन? परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय मोटिवेशन मल्टीप्लाइड बाय टेक्नोलॉजी. So performance of a person depends upon ability, motivation and technology. Now what is ability? Ability is function of education, training and experience. मतलब किसी की भी काबिलियत किस पर डिपेंड करती है कि उसने पढ़ा लिखा कितना है, ट्रेनिंग कितनी ली हुई है, एक्सपीरियंस कितना है. सो इन तीनों चीज़ों से हमारी काबिलियत बनती है. मोटिवेशन इज़ रिलेटेड टू विलिंगनेस. विलिंगनेस मीन्स काम करने की चाह. तो अगर हम अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी. नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज़ हाउ मच एडवांस्ड यू आर. अब टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि जैसे सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोसेस परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास लेटेस्ट मशीन्स भी हैं बट वी आर नॉट यूजिंग लेटेस्ट मशीन्स. सो परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू लेटेस्ट मशीन्स जो हमारी होगी वो थोड़ी सी डाउन रहेगी. सो परफॉर्मेंस एबिलिटी और मोटिवेशन और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है. तो एबिलिटी वंस अचीव्ड यू कैन नॉट चेंज. टेक्नोलॉजी जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है तुम वही लेके चल रहे हो, बट मोटिवेशन जो है वो हम पर्सन को थोड़ा इंस्पायर करके उसको मोटिवेट करके उसके डिज़ायर्स को फुलफिल करके हम चेंज कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. What are characteristics of motivation? Motivation is a process consisting of motive, needs, desires, derives, goals and conditions to achieve those goals. So ये हमने पहले भी बात की है कि motivation जो है उसमें कोई motive रहता है जिसकी वजह से कोई person motivate होता है. उसकी कोई desire होती है unfulfilled जिसको उसको लगता है कि ये काम करने से वो fulfill हो जाएगी, इसीलिए वो काम वो undertake करता है. और देन कुछ कंडीशंस होती हैं गोल्स अचीव करने के लिए. अगर उसको ये लगता है कि ये कंडीशंस मेरे लिए पॉसिबल हैं, मैं इन कंडीशंस को फुलफ़िल करके अपना ये गोल अचीव कर सकता हूँ, तो वो और उसके बाद मेरी ड्रीम भी फुलफ़िल हो जाएगी, तो वो उस तरफ जाता है मोटिवेट होकर वो वाला गोल अचीव करने के लिए कदम आगे बढ़ाता है. देन दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मीन्स दिस इज़ रिलेटेड टू माइंड, दिस इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग ऑफ अ पर्सन. सो नेचुरली वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि हम पर्सन का थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, हम यही उसके दिमाग में डालते हैं कि ये काम करने के बाद उसकी कोई पर्टिकुलर डिज़ायर फुलफ़िल हो जाएगी, इसी तरीके से वो मोटिवेट होता है. देन ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड एज अ होल एंड नॉट इन पार्ट्स. तो हम ये नहीं कहते कि ये मोटिवेट अभी आधा हुआ है, हम यही कहते हैं येस दिस पर्सन इज़ फुली मोटिवेटेड.
then this is unending process. You can keep on motivating a person to any extent. Then non-attainment of needs causes frustration. अब हम आगे भी पढ़ेंगे जैसे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में कि हर पर्सन की कुछ ना कुछ नीड्स रहती हैं लाइफ में. जैसे कभी उसको चाहिए कि मुझे काश मुझे इतने पैसे मिल जाए, काश मुझे एक घर मिल जाए, काश मुझे एक कार मिल जाए. बट जब ये नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन होती है ह्यूमन बीइंग को. तो अगर ये नीड्स पूरी होने का हम एक राह दिखा देते हैं, अगर उसको दिखा देते हैं कि किसी तरीके से ये नीड्स उसकी पूरी हो सकती हैं, तो पर्सन गेट्स मोटिवेटेड. देन दिस इज़ अ सर्कुलर प्रोसेस. सर्कुलर का प्रोसेस, सर्कुलर प्रोसेस से भी यही मतलब होता है कि दिस इज़ नेवर एंडिंग. जैसे सपोज बिगिनिंग में एक पर्सन की नीड है कि उसको एक घर चाहिए, तो अब उसने कोई पर्टिकुलर काम किया, उसके पास इतने पैसे आ गए कि ही परचेज अ घर, परचेज इज़ अ हाउस. देन लेटर ऑन घर परचेज करने के बाद अब उसकी इच्छा हो गई जी, सो ही स्टॉप्स गेटिंग मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट डिज़ायर कि मेरे पास घर है. अब उसको दोबारा मोटिवेशन दोगे कि तेरे को घर मिल जाएगा, ही विल नॉट गेट मोटिवेटेड. बट ही हैज़ अनदर डिज़ायर, ही वॉन्ट्स टू ओन अ कार नाउ, सो अगेन ही विल स्टार्ट गेटिंग मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द कार, राइट? सो दिस इज़ अ सर्कुलर प्रोसेस. देन वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन? वाई वी वॉन्ट दैट आवर एम्प्लॉयज शुड बी हाईली मोटिवेटेड. Our employees should be highly motivated because when the employees are highly motivated, they give higher efficiency. तो naturally जो person बहुत motivated है, बहुत जोश से काम कर रहा है, बहुत मन लगा के काम कर रहा है, तो उसकी efficiency भी ज़्यादा होगी, productivity इससे increase हो जाएगी हमारी organization की. और क्योंकि person जो है वो motivate होके काम करेगा, दिल लगा के काम करेगा, उसकी गलतियाँ कम होंगी, तो productivity बढ़ जाएगी और हम हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होने लग जाएगा. देन लो एब्सेंटिज्म एंड लो टर्नओवर, लेबर टर्नओवर. लो एब्सेंटिज्म मींस एम्प्लॉय छुट्टियां कम करेगा, और लेबर टर्नओवर का क्या मतलब होता है कि जैसे एक एम्प्लॉई कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है और वहाँ पे सेटिस्फाइड फील नहीं करता, थोड़ी देर के बाद ही छोड़ के चला जाता है. तो लेबर टर्नओवर की वजह से क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज मार्केट में बड़ी ख़राब होती है कि यहाँ पर कल्चर अच्छा नहीं है, इसीलिए लोग बार बार छोड़ के चले जाते हैं. तो हम चाहते हैं कि लेबर टर्नओवर लो रहे और एब्सेंटिज्म भी लो रहे, तो दोनों चीज़ें लो हो जाती हैं बिकॉज ऑफ मोटिवेशन. देन फैसिलिटेट्स चेंज. ये हमने लीडर में भी बात की थी कि जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशन कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहती है, ऑटोमेशन करना चाहती है अपने प्लांट की, तो जितने एम्प्लॉयज़ हैं सब उसको अपोज कर रहे हैं बिकॉज उनको डर है कि ऑटोमेशन होने के बाद दे विल लूज देयर जॉब्स. तो मोटिवेट करने के बाद दे विल वेलकम दिस चेंज एंड दे विल अलाउ द चेंज टू कम इन बिकॉज दे विल रियलाइज दैट ऑटोमेशन विल नॉट टेक अवे देयर जॉब बट इट विल गिव देम न्यू अपॉर्चुनिटीज़. नई टेक्नोलॉजी सीखने का उनको मौका मिल जाएगा. देन ह्यूमन रिलेशंस आर इम्प्रूव्ड बिकॉज मोटिवेटेड एम्प्लॉई खुश रहता है, और उसको खुश रहने से वो क्या है, अपने से जो उसके लेवल वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से बात करता है, अपने से जूनियर्स से, अपने से सीनियर से बहुत अच्छे से मिलजुल के रहता है. हारमोनियस रिलेशंस गेट डेवलप्ड, दे कॉपरेट विद ईच अदर. देन कॉरपोरेट इमेज. कॉरपोरेट इमेज क्या चीज़ है कि जो जो मार्केट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है वो मोटिवेट एम्प्लॉयज़ अगर हों तो उनसे बहुत इम्प्रूव हो जाती है, और अगर डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हों तो वो बाहर जाकर बताते हैं यार यहाँ जॉब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सैलरी हाइक नहीं मिलती, कोई बोनस नहीं मिलता, कोई फैसिलिटी नहीं है. इसके विपरीत अगर हम उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे देते हैं, जैसे सपोज़ वी आर गिविंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वी आर गिविंग मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल लीव्स आर देयर एंड देन ग्रीवेंस सेल्स आर देयर, तो एम्प्लॉयज़ विल कीप गेटिंग मोटिवेटेड, और बाहर मार्केट में भी यही इमेज बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन की कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू गुड. तो इस तरीके से कॉरपोरेट इमेज मोटिवेशन से बहुत इफ़ेक्ट होती है. देन वॉट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन? देर आर एनवायरमेंटल कंडीशंस. एनवायरमेंटल कंडीशंस मीन्स हमारे सराउंडिंग्स के कंडीशंस कैसे हैं. जैसे सपोज आपकी सारा दिन ड्यूटी है किसी पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करने की, तो उस मशीन पे ऑपरेट करने के लिए तुम्हें क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? डू यू हैव अ फैन ओवर यू? डू यू हैव सम सिटिंग स्पेस? डू यू गेट सफिशेंट टाइम टू टेक रेस्ट? सो और वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं, लाइटिंग प्रॉपर है कि नहीं, दीज ऑल आर एनवायरमेंटल कंडीशन. सो इफ़ देर आर नॉट प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन, तो एम्प्लॉई क्या सोचता है कि यार यहाँ पे तो मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो ही विल
टेंड टू स्विच ओवर द जॉब, ही विल टेंड टू लीव दैट जॉब एंड जॉइन समवेयर एल्स. सो एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर अच्छे होंगे, पर्सन विल रिमेन मोटिवेटेड. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का क्या मतलब है कि रूल्स कितने स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, लीव्स कितनी मिलती हैं, फैसिलिटीज़ कितनी मिलती हैं, कोई पर्टिकुलर गेट टुगेदर होता है कि नहीं. सो लोग वहाँ पे कैसे हैं, कोऑपरेट करते हैं या जेलस फील करते हैं, हेल्दी कंपटीशन है या कैसे है, ट्रेनिंग के लिए लोगों को भेजा जाता है कि नहीं. दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. सो अगर सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं तो एम्प्लॉयज़ कीप गेटिंग मोटिवेटेड. देन एजुकेशन और लर्निंग. एजुकेशन और लर्निंग क्या चीज़ है कि कितनी अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉय के लिए और लर्न करने की, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कि नहीं, रीट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कि नहीं, नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि नहीं. सो ऑल दीज फैक्टर्स अगेन इफेक्ट मोटिवेशन. देन हाउ आर द रिलेशन बिटवीन द कोवर्कर्स. कोवर्कर्स मीन्स जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे रहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में. तो अगर रिलेशंस हारमोनियस हैं, हारमोनियस मीन्स कि अगर हम उनसे मिलजुल के काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तो वी कीप गेटिंग मोटिवेटेड, हमारा वहाँ पे दिल लगा रहता है. लेकिन इसके विपरीत सपोज़ अगर हमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे बहुत चापलूसी करते रहते हैं और बॉस भी सिर्फ उनकी फेवर करता रहता है, तो अननेसेसरीली हमें टेंशन क्रिएट हो जाएगी एंड वी विल ट्राई टू लीव दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट इज लीडरशिप फैक्टर. लीडर वहाँ पे कैसा है, लीडर वहाँ पे कितना मोटिवेट कर लेता है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाता है कि नहीं. सो दीज ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द मोटिवेशन. देन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन. पॉजिटिव मोटिवेशन का क्या मतलब है, जैसे सपोज किसी की हम हौसला अफजाई करके अगर उसको मोटिवेट करें कि अगर तू ये काम कर लेगा तो इसके बाद तुझे ये फ़ायदा हो जाएगा, उसको फ़ायदा दिखाते हैं हम. सो दिस पॉजिटिव मोटिवेशन इम्प्रूव्स मोटिवेशन और कीप्स अ पर्सन मोटिवेटेड बाय मेथड्स ऑफ रिवॉर्ड्स लाइक गिविंग बोनस, गिविंग एप्रिसिएशन लेटर, गिविंग प्रमोशन विद सैलरी हाइक, ऑल दीज आर पॉजिटिव मोटिवेशन. तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ इसके बाद रिवॉर्ड मिल जाएगा. और नेगेटिव मोटिवेशन क्या है, इन दिस सेंस ऑफ फेयर इज क्रिएटेड इन वर्कर वेयर ही हैज़ टू सफ़र फॉर लैक ऑफ गुड परफॉर्मेंस. तो यहाँ पर उसको उसके मन में एक डर बिठा दिया जाता है कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको क्या खोना पड़ जाएगा, जैसे उसकी सैलरी काट ली जाएगी अगर काम अच्छा नहीं होगा, अप टू मार्क नहीं होगा, उसको फाइन लग जाएगा, वार्निंग लेटर मिल जाएगी, जॉब से निकाल दिया जाएगा. सो दीज आर नेगेटिव मोटिवेशन. देन मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग मोटिवेशन. मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग मोटिवेशन में हमने इंसेंटिव्स पढ़ना है. इंसेंटिव्स वर्क एज वेरी गुड मोटिवेटर्स. तो इंसेंटिव्स कैन बी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोज इंसेंटिव्स विच आर रिलेटेड टू मनी. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर नॉट रिलेटेड टू मनी. सो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या होता है, मॉनेटरी रिवॉर्ड, मतलब हमें डायरेक्टली उसमें पैसे का फ़ायदा होता है. जैसे हमें पेंशन मिल जाए, तो पेंशन अगर ऑफर हो रही है तो हमें नेचुरली रिटायरमेंट के बाद भी हमें पैसे मिल रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड इंसेंटिव. देन बोनस, एनुअल बोनस हमें मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, इंक्रीमेंट, प्रमोशन विद सैलरी हाइक एंड सो ऑन, ऑल दीज आर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जहाँ पे हमें पैसे का फ़ायदा हो रहा है. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हैं, एप्रिसिएशन लेटर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. एप्रिसिएशन लेटर मीन्स तारीफ कर दी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, या पूरे ग्रुप में जैसे जब तुम अपने बाकी के एम्प्लॉयज़ को एड्रेस कर रहे हो तो तुमने स्पेशल नाम लेके बोला कि ये पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको ग्रुप में जब अप्रिशिएट करते हैं तो उसको ही फील्स ऑनर्ड. देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या चीज़ है, कि उसको कोई ना कोई पावर दे दी गई. जैसे उसको पावर दे दी गई कि यू आर टू लुक ओवर दीज 10 एम्प्लॉयज़, या आपने डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया बट उसको सैलरी इंक्रीज नहीं की है. सो दिस इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. एप्रिसिएशन का एक और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे देखा होगा तुमने कि जैसे मॉल्स होते हैं या जैसे डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, यहाँ पर एम्प्लॉई ऑफ द मंथ निकालते हैं. तो एम्प्लॉई ऑफ द मंथ हर कोई बनना चाहता है, तो ये अप्रिसिएशन पाने के लिए भी दे डू वर्क हार्डर. देन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. तो ये क्या होता है कि जैसे सपोज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये अनाउंस कर दे कि जो भी एम्प्लॉई ऑफ द मंथ बनेगा उसको मंथली मीटिंग में, मैनेजमेंट के साथ जो मीटिंग होती है
मंथली, उसमें वो बाकी एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी उसको एक जब उसको इज्जत दी जाती है तो उसको अच्छा लगता है और वो इंसेंटिव मान के चलता है, उसको मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से। देन प्रोवाइडिंग अ स्पेशल फैसिलिटी, स्पेशल फैसिलिटी क्या होती है, जैसे सपोज उसको ड्राइवर और कार दे दी गई या अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी गई, दिस इज़ स्पेशल फैसिलिटी। सो बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, दे एक्ट एज मोटिवेटर्स एंड इम्प्रूव मोटिवेशन अलॉट इन एम्प्लॉयज़। So that is all for today. If you have any queries, you can contact me.